संताल में 1,000 करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने अब साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव को समन जारी किया है। डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव को 23 जनवरी को ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। डिप्टी कमिश्नर यादव पर अवैध खनन को बढ़ावा देने और मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के इशारे पर काम करने का आरोप है। इसके अलावा पंकज मिश्रा पर लगे आरोपों को दबाने और चल रही जांच को रफा दफा करने सहित कई अन्य आरोप डिप्टी कमिश्नर राम नरेश यादव पर लगे हैं। ईडी ने इस केस में अब तक पंकज मिश्रा, उनके सहयोगी बच्चू यादव और नौकरशाहों के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभी रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है। मनरेगा घोटाले में जमानत पर जेल से बाहर निकली निलंबित आईएएस अधिकारी और खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव रह चुकी पूजा सिंगल व जेल में बंद उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार भी अवैध खनन के काले धन को खपाने के मामले में संदिग्ध मिले हैं, जिसके तहत अभी जांच जारी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।